नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बढ़िया पाम का एनालिसिस करते हैं। इस पाम में थोड़े से उतार चढ़ाव भी है, पर चढ़ाव ज़्यादा है, उतार कम है। देखते हैं इस पाम में क्या क्या खासियतें हैं और क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले नज़र आती है ये पाम की साइज। ये रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग ज़्यादातर अपना कार्य बोल कर करते हैं और इनका अंगूठा भी काफ़ी बड़ा है, तो व्यक्तित्व जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है। जल्दी किसी के सामने झुकता नहीं, स्ट्रांगनेस होती है। और ये जो पार्ट है ये नुकीला होने के कारण थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी टाइमिंग इनकी परफेक्ट होती है। और सेकेंड फैलेंज बड़ा होने के कारण व्यक्ति ज़्यादातर अपनी बात समझाने में समय निकालता है। ये एक माइनस पॉइंट कहो या प्लस पॉइंट कहो, ये इनके जीवन में रहेगा। इनकी जो पिंकी फिंगर है, जो छोटी फिंगर, वो लगभग सूर्य पर्वत के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट रहता है। थोड़ी सी कमी है पर उतनी चल जाती है। अब चलते, इनकी वर्तमान उम्र 44 इयर्स है और ये महिला का पाम है। और यहाँ पर देखिए बुध पर्वत कितना अच्छा है। जब इस तरह का बुध पर्वत होता है तो व्यक्ति सुंदर होता है, बोलने की कला में महारत होती है उसको, रिफाइंड बोली रहती है उसकी, और बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा खासा होता है। पर ये हाउसवाइफ का पाम है। और यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी है, ये घूमने वाली रेखा, और यहाँ से थोड़ा सा एक फोक बन रहा है। जब इस तरह से दोनों चीज़ें हो तो पति पत्नी के बीच में डोमिनेट स्वभाव रहता है, व्यक्ति का डोमिनेट स्वभाव रहता है, उसके कारण वाद विवाद पैदा होते हैं इस तरह की रेखा के कारण। इस कमी को इनको निकालनी पड़ेगी। ये कंटिन्यू वाद विवाद की रेखा है, डोमिनेट पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की। अब चलते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर देखें तो स्ट्रांग सूर्य रेखा है, तो व्यक्ति को लगभग उम्र 56 के बाद अच्छा खासा यश मिलेगा। और ऐसे भी यश ऐसे लोगों को इजीली मिलता है, छोटा सा काम करने के बाद भी यश अच्छा प्राप्त होता है। पर जैसे ही 56 की उम्र शुरू होगी, इनको जीवन में अच्छा खासा यश मिलना शुरू होगा और बैठे बैठे इनकम जीवन में आएगी। और यहाँ पर देखें तो एक शुक्र वलय बना हुआ है, जो हाथ की प्रिंट लेने पर पूरा होता दिख रहा है, पर इस फोटोग्राफ में अर्ध शुक्र वलय बनता है। अगर इनको मूड स्विंग का प्रॉब्लम होगा तो ये अर्ध शुक्र वलय है, और मूड स्विंग का प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये कंप्लीट शुक्र वलय है। आधा भी हो या पूरा भी हो, व्यक्ति के जीवन में धन की मात्रा, अधिक मात्रा में ये देता है। ये धन का अच्छा कारक माना जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। और यहाँ पर बनने वाला ये जो त्रिकोण है, ये स्थिर जीवन की ओर इशारा करता है। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर देखें तो इनकी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर झुक रही है, तो ये कभी न कभी इनके जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत पर। जैसे हमने यहाँ पर रिलेशनशिप लाइन को देखा, डोमिनेट पर्सनालिटी, वैसी यहाँ पर एक और कमी है, वो है ये गुरु पर्वत का यहाँ का उभार। जब इस तरह का उभार होता है तो पारिवारिक समस्या बहुत खड़ी होती है व्यक्ति के जीवन में, और कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी काफ़ी मतभेद होते इस तरह के पर्वत के कारण। बहुत वाद विवाद होता है और व्यक्ति का ध्यान आपस में कश्मकश से ही ऊपर नहीं आता,
और व्यक्ति जो विकास होना चाहिए वो अधूरा रहता है, इनका भी और इनके हस्बैंड का भी, क्योंकि दोनों चीजें माइनस पॉइंट है। ये जब लाइन इधर घूमती है तो डोमिनेट पर्सनालिटी की ओर इशारा करती है, प्लस इनका गुरु पर्वत भी इस तरह से उभार ले रहा है, तो इनका अच्छा खासा समय वाद विवाद में ही निकलता होगा और दोनों लोगों की एनर्जी इसी में वेस्ट होती होगी। ये 100% दिख रहा है इनके पाम पर। इनको इस स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है तो इनका जीवन काफ़ी सफल रहेगा। और यहाँ पर देखें गुरु पर्वत पर भी तो एक बहुत बड़ी रेखा, स्ट्रांग रेखा प्रोग्रेस लाइन जा रही है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा करती है। ऐसे लोग जीवन में अच्छा खासा समृद्ध बनते हैं इस तरह की स्ट्रांग लाइन के कारण। और इनका गुरु पर्वत ऐसे काफ़ी अच्छा है, पर यहाँ उभार होने के कारण थोड़ी सी कमी है। हो सकता है इनके हाथ से जो खाना बनता होगा वो काफ़ी टेस्टी बनता होगा, क्योंकि गुरु का स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है तो खाना टेस्टी बनता होगा। और व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी भी होती है इस गुरु पर्वत के कारण, और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होता है, परिवार का विस्तार भी अच्छा खासा होता है इस तरह का गुरु पर्वत होता है। तो अब चलते, और बड़े परिवार का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल देखे तो थोड़ा सा दबा हुआ है, शरीर की एनर्जी चाहिए वैसी नहीं होती व्यक्ति के जीवन में, जो स्ट्रांगनेस चाहिए वैसी स्ट्रांगनेस नहीं होती, और बहुत कम उम्र से ही दवाइयों पर धीरे धीरे जीवन की शुरुआत होती है। ब्लड प्रेशर एक कॉमन सी चीज हो जाती है इनके जीवन में, इस तरह का अंदरूनी मंगल होता है। और हाथ दुखना, पैर दुखना, कभी सर्दी होना, कोई ना कोई तकलीफ जीवन में शरीर से रिलेटेड, अंदरूनी मंगल जब कमजोर होता है तो इस तरह की तकलीफ देता है। और यहाँ पर देखे तो भारी मंगल अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो ये किससे भी मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे। अब चलते इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत काफ़ी उभार लिए हुए, इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति का विदेश से संबंध ना आए ये बात में दम ही नहीं। इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति को बुद्धिशाली बनाता है, रिफाइंड सोच देता है, प्लस ये जो परचेस करके लाते होंगे चीज़ें तो वो देखने लायक होती होगी, वैल्यू फॉर मनी होती होगी, इतनी समझ इनमें अच्छी खासी होती है। तो चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, वो भी काफ़ी बड़ा है। सॉरी, इतना बड़ा मनी ट्रायंगल इनके जीवन में है, और शुक्र वलय बनने के बाद मनी ट्रायंगल का इतना महत्व नहीं रहता, व्यक्ति के जीवन में धन की मात्रा अच्छी खासी आती है। और ये जो रेखा है ये हो ना हो टूट टूट कर चल रही है बुध रेखा, ये इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम देती होगी। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर थोड़ी आड़ी लाइनें ज़्यादा है, तो ये जीवन में बाधाएं लाती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, पर रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखें तो ये एक केवल एक नस ग्रीन हुई है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ग्रीन हो जाए तो ये एक श्वेत प्रदव करके रोग होता है, स्त्री रोग कहते हैं उसको, उस तरह का रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी इनसे सलाह है कि एक बार डॉक्टरी तपास की जाए। और यहाँ पर लग्जरी लाइनें भी है अच्छी खासी, तो जीवन में लग्जरी अच्छी खासी रहेगी और बहुत सारे स्क्वायर बन रहे, तो ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख जीवन में देगी। और इनका एक क्वेश्चन था, इनका घर बनते बनते अधूरा रहा है, तो वो कब पूर्ण होगा, वो जीवन रेखा पर आएंगे उस समय हम उसका डिस्कशन करेंगे। अब चलते, और शुक्र पर्वत इतना भी दबा हुआ नहीं है और नहीं ज़्यादा कमजोर है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, तो व्यक्ति प्रेजेंटेशन अपने आप का अच्छा खासा रहता है, व्यवस्थित रहता है और अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह से रहता है जब शुक्र पर्वत आपका अच्छा होता है। तो अब चलते इनकी हार्ट लाइन पर। हार्ट लाइन को भी देखें
तो कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर इस तरह से चल रही है। तो गुरु पर्वत से जब शुरू होती है तो व्यक्ति विश्वासु किस्म का इंसान रहता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से देकर आएगा, इतनी अच्छी इनके पास विश्वासु किस्म के इंसान रहते हैं ये लोग। पर एक माइनस पॉइंट होता है, ये काफ़ी आदर्शवादी नेचर के होते हैं। इन्होंने बचपन से कुछ आदर्श बना लिए रहते, उस आदर्शों पर ही चलने की कोशिश करते, तो व्यक्ति को मायूसी मिलती है। पर इनकी हार्ट लाइन काफ़ी कौ भी ले रही है, तो भावुक नेचर भी इनका होगा, भावनाओं से भरा प्रेमी स्वभाव होगा, आसपास पड़ोस से अच्छा खासा संबंध रखते होंगे, सबसे मिलकर रहते होंगे, इस तरह का स्वभाव भी इनका होगा क्योंकि हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है और नॉन स्टॉप अच्छी चल रही है। यहाँ पर परिवार का बोझ बढ़ेगा, तो ये जनरली भारतीय परिवार में 60 साल के आसपास परिवार का बोझ आता है और इस तरह की रेखा हर व्यक्ति के जीवन में होती है क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था ही इस तरह से बनी है कि परिवार का बोझ बढ़ता है, उसके कारण डबल हो जाती है। यहाँ से जीवन जीना व्यक्ति दूसरे के लिए चालू करता है। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को देखें तो कंप्लीट जीवन रेखा से शुरू होकर इनकी माइंड लाइन इस तरह से चल रही है, तो ये अच्छी माइंड लाइन है। बुद्धि चातुर्य काफ़ी अच्छा होगा और थोड़ी सी चंद्र पर्वत को और झुक रही है, तो इमेजिनेशन पावर भी अच्छा खासा होगा इनमें। माइंड लाइन पर मुझे कोई दोषारोपण नहीं दिख रहा। हाँ, ये पार्ट में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, तो ये जीवन के लगभग 25 से लेके 36 साल तक कोई ना कोई टेंस इनके जीवन में रहा होगा और उसके बाद वो टेंस धीरे धीरे हल्का होते हुए सीधी चल रही है। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर देखें तो एक ये जो ऑफ शूट है, ये 25 के आसपास जबरदस्त कोई सफलता इनके जीवन में मिली होगी और उसके बाद इनका जीवन आगे बढ़ा होगा और ऐसे धीरे से चलते चलते ये लाइन कंप्लीट इस तरह से जा रही है और यहाँ से एक रेखा निकल रही है, तो ये विदेश में आने जाने के संकेत देती है। जब कोई भी जीवन रेखा से इस तरह से बार बार विदेश जाने आने के संकेत देती है और बहुत बार लॉन्ग स्टे भी व्यक्ति का विदेश में होता है। अब इसी जीवन रेखा पर एक दो जगह पर जो राहु रेखा है इनके जीवन को परेशान करती है, वो है लगभग ये 28 साल में एक कोई ना कोई परेशानी आई होगी, एक 32 साल में थोड़ी बड़ी आई होगी इनके जीवन में, एक 38 साल में काफ़ी बड़ी आई होगी और 44, 46 और 48, ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेखाएं नहीं है पर फिर भी राहु रेखा है, व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई तो बाधाएं लाती है पर उसके बाद इनका जीवन अच्छा खासा होते दिख रहा है। उसके बाद राहु रेखा का वार काफ़ी कम है और इनका जीवन काफ़ी स्मूथ आगे बढ़ रहा है, पर ये तीन रेखाएं इनको थोड़ी सी और परेशान जीवन में करेगी। और यहाँ पर जिस तरह से इनकी जीवन रेखा हुई है तो यहाँ इस पीरियड में हो सकता है थोड़ा सा मोटापा इनके जीवन में आया हो, लगभग 32 से लेकर 44 तक मोटापा आया होगा और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा शरीर कम होते जाएगा। बाकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है जीवन में, अच्छा खासा जीवन जाएगा। पर ये तीन राहु रेखाएं इनको जीवन में थोड़ी सी अभी और परेशानी देगी। अब चलते इनके फेट लाइन पर। फेट लाइन को देखें, शुक्र वलय आने के बाद ज़्यादा फेट लाइन का महत्व नहीं रहता, ये यहाँ से चली और यहाँ रुकी और यहाँ से एक और लाइन चली और यहाँ रुकी और यहाँ से एक और चली, तो जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग पड़ाव आएंगे। जैसे उम्र 38 तक कोई ना कोई और इनकम हुई होगी और यहाँ से
36 के बाद और एक इनकम का स्रोत क्रिएट हुआ होगा, और इसी फेट लाइन पर इनको अलग अलग जगह पर राहु रेखा भी काट रही है। एक लगभग उम्र 27-28 के आसपास काट रही है, एक उम्र लगभग 31-32 के आसपास काट रही है, एक ये बड़ी रेखा उम्र 38 के पास इनको काट रही है, और एक छोटी सी रेखा इनको इस उम्र में 44 के उम्र में यहाँ पर काट रही है, और उसके बाद इनका जीवन अच्छा खासा जाते दिख रहा है और बहुत सारे इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होंगे। और इनका जो घर का मैटर था जो डिस्कशन करना रह गया, तो ये जो पार्ट है ये इनको प्रॉपर्टी बिल्ड कराएगी। इस तरह का कोई ना कोई घर का डिज़ाइन होगा इनके जीवन में और ये कंप्लीट होगा। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए एक लाइन प्रोग्रेस लाइन जा रही है, तो ये देखिए 44 के आसपास राहु रेखा काट रही है, और इसी पीरियड में ऊपर फेट लाइन भी प्रोग्रेस लाइन भी जा रही है, तो हो ना हो इनके जीवन में यहाँ ही घर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है इनका घर कंप्लीट होने में, यही रेखा इनको सफलता दिला देगी मेरे हिसाब से। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।